स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और सुरक्षा पर सियासत के साथ मैं हूं आपके साथ वर्ष तिवारी। छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ भूपेश बघेल की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया गया है। सवाल उठाने वाली कांग्रेस ने बकायदा डीजीपी को चिट्ठी भी लिख डाली और आरोप मढ़ दिया कि बघेल की सुरक्षा में कोताही बरती जा रही है और यह किसी गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रहा है। कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री गिरीश देवांगन की ओर से डीजीपी को भेजी गई शिकायत चिट्ठी को लेकर भले ही कांग्रेस का सियासी फायदा छिपा हो, लेकिन बीजेपी ने इस पर नसीहत दे डाली है और कहा है कि चूक है तो स्पष्ट तौर पर शिकायत की जाए, लेकिन राजनीति ना करें। आज की बहस इस बेहद ही दिलचस्प सियासी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमान। बहस शुरू हो उससे पहले आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल की सुरक्षा में कोताही बरतने का आरोप लगाया गया है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। कांग्रेस ने बकायदा पुलिस महानिदेशक को चिट्ठी लिखकर कहा है कि कई जिलों के दौरे के दौरान भूपेश बघेल को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। कांग्रेस ने डीजीपी को भेजी चिट्ठी में इस बात का भी जिक्र किया है कि तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल की सुरक्षा में ढिलाई बरती गई थी, जिसकी वजह से झीरम घाटी जैसी नक्सली घटना घटी और उन्हें नक्सलियों ने मार डाला। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि हाल ही में बलौदाबाजार, मुंगेली, महासमुंद जिलों में भूपेश बघेल के कार्यक्रम थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। कांग्रेस ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजा है जिसमें उनके दौरे के दौरान उन्हें सुरक्षा देने की मांग की गई है। त्रिवेदी ने कहा है कि भूपेश बघेल को किसी जिले में सुरक्षा दी जा रही है तो किसी जिले में नहीं। शैलेश का आरोप है कि भूपेश बघेल की सुरक्षा मापदंडों में राज्य सरकार जानबूझकर ढिलाई बरत रही है। उन्होंने साल 2013 के झीरम हत्याकांड का हवाला दिया। 2013 में नंद कुमार पटेल को जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा में सुरक्षा दी गई थी, लेकिन जिस जगह घटना घटी थी वहां सुरक्षा नहीं दी गई। कांग्रेस ने आशंका जाहिर की है कि भूपेश बघेल को खतरा हो सकता है। राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था में इस कोताही से कांग्रेस को आशंका है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल की सुरक्षा को लेकर खतरा हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस ने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ को पत्र लिखकर कांग्रेस की चिंता से उन्हें अवगत कराया है। कांग्रेस की इस दलील के बीच बीजेपी ने अपना मत स्पष्ट किया है। बीजेपी ने कहा है कि सुरक्षा में अगर खामी है तो दो टूक अपनी बात कहें, सियासी फायदा ढूंढने की कोशिश ना की जाए। कांग्रेस का ये नेचर या व्यवहार अब इस तरह का हो गया है कि वो हर मामले को लेकर राजनीति करने का प्रयास करते हैं। शासन प्रशासन से जुड़ी हुई विकास के मामले को लेकर यदि राजनीति करें हमें कोई दिक्कत नहीं है, मुद्दे उठने चाहिए, निश्चित तौर पर उठने चाहिए, लेकिन हम एक आशंका जताकर, प्रशासन पर आरोप लगाकर, शासन पर आरोप लगाकर, लोगों में भ्रम फैलाकर हम इस तरीके से राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद ही उचित नहीं। ये पहला मौका नहीं है जब भूपेश बघेल की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया गया हो। इसके पहले भी अंतागढ़ टेपकांड मामला सामने आने के बाद बघेल ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा था कि उन्हें एक शुभचिंतक ने चिट्ठी भेजकर आगाह किया है कि उनकी जान को खतरा है। वहीं भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन के करीब अमलेश्वर में हथियार मिलने की मीडिया में आई खबर के बाद भी बघेल ने आशंका जताई थी। बहरहाल भूपेश बघेल की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने डीजीपी को चिट्ठी लिखी है उसके अपने सियासी मायने जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि बघेल की चिट्ठी पर सरकार कितनी गंभीरता दिखाती है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और इसी खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। अजय साहू कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साहू जी आपका स्वागत है। गौरीशंकर श्रीवास बीजेपी प्रवक्ता हैं। श्रीवास जी आपका भी स्वागत है। और राम अवतार तिवारी वरिष्ठ पत्रकार, तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो श्रीवास जी आपका ही रुख करूंगी। प्रदेश अध्यक्ष हैं बघेल, तो जाहिर है सुरक्षा मिलना लाजमी है, और आखिर क्यों सुरक्षा नहीं दी जा रही है? जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसमें क्यों कोताही बरती जा रही है? देखिए गौरी जी, निश्चित तौर पर आपका कहना सही है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते निश्चित तौर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, इस बात की ताकीद पूरी तरह से गृह विभाग करता है। समय समय पर जिस प्रकार से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है उसके आधार पर उनको सुरक्षा दी गई है। जिस आपकी रिपोर्ट में मैंने देखा है कि जो बात उन्होंने कही थी, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि विपक्षी पार्टी के द्वारा उनके शूटर रायपुर शहर में घूम रहे हैं, मेरी जान को खतरा है,
तो सरकार ने तमाम प्रकार की उनको पायलटिंग जो फॉलो गार्ड से लेकर तमाम प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराई थी, और एक विपक्षी पार्टी के नेता होने के नाते बंगले से लेकर तमाम प्रकार की जो सुविधा जिसके नाम से आते हैं वो लगातार दी जा रही है। ये बात तो पूरी तरह स्पष्ट है। लेकिन श्रीवास जी, अगर तमाम सुरक्षा दी जा रही होती, ठीक है, तमाम सुरक्षा दी जा रही होती तो फिर कांग्रेस बार बार ये गाहे बगाहे ये आरोप क्यों लगाती? क्यों लगाती कि भाई सुरक्षा नहीं मिल रही है? अगर सुरक्षा दी जाती, सुरक्षा को लेकर कई मर्तबा आप लोगों पर आरोप लगे हैं कि जो सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए वो सुरक्षा मुहैया कराई नहीं जा रही है, और इसलिए जमकर इस तरह इन तमाम चीजों को लेकर बवाल करता है। देखिए, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा कि जिस प्रकार की इंटेलिजेंट की रिपोर्ट मिलती है, समय समय पर गृह विभाग समीक्षा करता है कि किस व्यक्ति को, किस वीवीआईपी को किस कैटेगरी में रखा जाए, एक्स वाई जेड किस कैटेगरी में रखा जाए, उस हिसाब से सिक्योरिटी दी जाती है। अब वो जिस प्रवास में थे वहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई, क्या ऐसा मामला था? क्योंकि उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बलौदाबाजार और मुंगेली जो जिला है वो बहुत ही सामान्य जिला है और नक्सल इफेक्ट जिला नहीं है, ये भी बात पूरी तरह समझने वाली बात है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, ये बड़ा विषय है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि बलौदाबाजार में एक मरतबा हाट बाजार लगा था, वहां पे नक्सली हमला हुआ था, और अगर आप ये कह रहे हैं कि बलौदाबाजार इतना संवेदनशील क्षेत्र नहीं है जहां पे सुरक्षा इतनी ज्यादा मुहैया कराई जाए, तो इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती। मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से लगातार हम चर्चा कर ही रहे हैं तो हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, अजय साहू जी से भी पूछ ही लेते हैं कि साहू जी, लगातार कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि सुरक्षा नहीं दी जा रही है, और सरकार की तरफ से कहा जाता है कि भाई हम प्रॉपर सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन अगर सुरक्षा के मापदंडों में कहीं कमी है तो सीधे कांग्रेस बताए लेकिन राजनीति ना करे। साहू जी, हेलो, बोलो बोलो। देखिए गौरी जी, कांग्रेस पार्टी ने अपने बहुत लंबे चौड़े नेताओं की एक सूची फहरिस्त थी हमारी फ्रंट लाइन की, उसको हमने नक्सल हमले में खोया है इसी सुरक्षा की चूक के चलते। आने वाले समय में चुनाव है, जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विभिन्न जिलों में दौरे में जाते रहे हैं तो उनको समय समय पर और लगभग हर समय उनको सुरक्षा दी जाती रही है, फॉलो गार्ड और पायलटिंग। अब अगर वो बल्लाबाजार, मुंगेली और बेमेतरा के जिले में जाते हैं, यदि उनके ऊपर हमला होना होगा तो ये कोई आइडेंटिफाई जगह नहीं होती कि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है या नहीं है। आज छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई भी जिला नहीं है जिसे आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि वहाँ नक्सल मूवमेंट है या नहीं। अब बात करते हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन में जो शूटर पकड़ाए थे, जिस समय हमारी पार्टी के अंदर से कुछ लोगों को बाहर निकालने की कवायद चल रही थी, ऐसे समय में एक शार्प शूटर का उनके विधानसभा क्षेत्र से पकड़ाना और लगातार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के दौरों के समय उनकी रेकी करना, वो जो शूटर था उसे कांग्रेस भवन के इर्द गिर्द भी कई बार देखा गया है। तब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्रकारों के माध्यम से और राज्य शासन को ये बात बताई थी कि मुझे ऐसा अंदेशा है कि मेरी जान को खतरा है, उसके बाद ही उनको पायलटिंग और फॉलो गार्ड देना शुरू किया इस सरकार ने। लेकिन कई बार मैं भी उनके साथ बस्तर के दौरे पर गया हूँ, कई बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है कि रोड ओपनिंग पार्टी कई क्षेत्रों में नहीं लगी होती, तब हम लोगों के अंदर एक भय का सामना हमको करना पड़ता है और तब हम लोग स्थानीय प्रशासन से गुहार लगाते हैं। तो ये बात सामने आती है कि हमारे को ये निर्देश है कि एक्स वाई और जेड श्रेणी की जो सुरक्षा प्राप्त लोग हैं केवल उन्हीं को ये फॉलो और पायलटिंग और ये सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मेरा ये कहना है कि यदि कोई घटना घट जाती है जैसे पिछले चुनाव के समय में हमारे 2013 में झीरम घाटी नंद कुमार पटेल जी के साथ जो घटी, बिल्कुल अगर ऐसी कोई घटना घट जाती है तो सरकार केवल ये कहती है कि सुरक्षा में चूक हो गई, हम इसकी जांच करवाते हैं, तो ऐसी कोई स्थिति आगे ना बन पाए इसलिए आज प्रदेश कांग्रेस ने डीजीपी को पत्र लिखकर इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेने का आग्रह किया है, और उम्मीद है कि ये लोग संज्ञान में ले और आगे से ऐसी गलती ना हो। राजनीति करना इस मामले में कोई कांग्रेस का इंटरेस्ट नहीं है, कांग्रेस पार्टी चाहती है हमारे जो नेता हैं वो चुनाव के समय तक और आगे भी सुरक्षित रहें, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला ना हो, क्योंकि हमने शहादत देखा है, हमने अपनों को खोया है, शहादत का दर्द क्या होता है ये हम जानते हैं, इसलिए हमने डीजीपी को पत्र लिखा है। जी बिल्कुल,
रामोपता जी, छत्तीसगढ़ की राजनीति की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजनीति हमेशा नक्सलवाद और सुरक्षा के बीच ही झूलती रहती है, और इन तमाम मुद्दों को, इन दोनों ही चीजों में सिर्फ जो आम जनता है वो पिसती रहती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। कहा भी जाता है कि नक्सलियों को, जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी समर्थन दे रही है, और बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस उनको संरक्षण दे रही है, आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा मुद्दा है ये, जिस तरह से सुरक्षा को लेकर जो मुद्दा गाहे बगाहे उठता रहता है, आपकी नजर में क्या लगता है, क्या इसका हल निकल रहा है? देखिए, चुनाव करीब आ रहे हैं, चुनाव करीब आते आते राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ेगी, दोनों दलों के बीच कटुता बढ़ेगी, इसी दौरान सुरक्षा के चूक से पहली बार झीरम में कांग्रेस के बड़े नेताओं की हत्याएं हो चुकी है, इसके और आगे जाएंगे तो रामोतार जग्गी की हत्या हो चुकी है, राजनीतिक हत्याएं हो चुकी है, तो ऐसी स्थितियों में एहतियात के तौर पर, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और पूर्व का इतिहास ऐसा रहा है, उसको देखते हुए, और एक भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, तेज तर्रार हैं, और अलग अलग मुद्दों पर बहुत ही आक्रामक तरीके से विपक्ष को और अन्य सरकार को, अन्य लोगों को घेर रहे हैं। ऐसी स्थितियों में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है कि जो बड़े नेता हैं उनकी सुरक्षा करें, खासकर जो फील्ड में हैं और जो दौरा कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि ये काम जो है प्रशासन का एक नियमित प्रक्रिया है, प्रशासन को ऐसी स्थितियों पर स्वयं समीक्षा करते रहना चाहिए समय समय पर, और उनको ठीक करना चाहिए। इसको लेकर अगर कोई दल को पत्र लिखे, दल प्रमुख, तो ये बात राजनीतिक पार्टी और पुलिस के लिए भी एक गलत संदेश जा रहा है कि पुलिस की इन चीजों में सक्रियता नहीं है या चूक फिर से बढ़ती जा रही है जी। तो ये मुद्दे पर ज्यादा राजनीति करने की अपेक्षा, नक्सलवाद का इलाका है और काफी लोग मारे जा रहे हैं, अभी हाल की घटना में कली चलाया गाड़ी, नक्सली इलाकों में गाड़ियां चलाई गई है, ठेकेदारों को हत्या हो गई है, पत्रकारों की हत्या हो गई है, तो घटनाएं तो हो रही हैं। इन घटनाओं से देखते हुए पुलिस को अपने सुरक्षा व्यवस्था के फिर से समीक्षा करनी चाहिए और इसको लेकर देखना चाहिए कि कहां कहां चूक हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल श्रीवास जी, क्योंकि अगर हम असैसिनेशन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पॉलिटिकली असैसिनेशन कांग्रेस पार्टी में ही हुए हैं, इतिहास गवाह है इस चीज का। कि अगर हम राजीव गांधी की भी बात करते हैं तो उनका भी असैसिनेशन ही हुआ था, फिर अगर हम बात करते हैं 2013 के झीरम घाटी की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा असैसिनेशन कहलाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी लगातार अगर ये सुरक्षा की मांग कर रही है तो भाई सुरक्षा दीजिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर है कि उनके जो नेता है उनको खतरा है, लेकिन आप लोग सुरक्षा दीजिए ना, ये क्यों बार बार कह रहे थे कि राजनीति ना किए? आपकी तरफ से भी तो कोई माकूल सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं ना। अगर हम झीरम घाटी हत्याकांड जिस तरह से हुआ था, नक्सलियों द्वारा किया गया था, उसकी अगर हम जांच की भी बात करते तो उसकी जांच भी अभी तक पूरी नहीं हुई, दोषियों का पता नहीं। देखिए, आज चूंकि विषय झीरम का नहीं है, इसलिए उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। आप झीरम पे नहीं जाना चाहते श्रीवास जी, आप झीरम पे नहीं जाना चाहते तो क्या आप झीरम पार्ट टू का इंतजार कर रहे हैं? आप झीरम पे नहीं जाना चाहते, आप उसका भी जवाब नहीं दे रहे हैं? मेरी बात पर पूरी जाने दीजिए, मेरा आप कर लीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। चूंकि झीरम का विषय नहीं, इसलिए उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, रायपुर शहर में उसमें भी सुरक्षा में चूक हुई, उसमें भी सुरक्षा में चूक हुई। आप झीरम पे इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि आपके पास कोई ऐसा आंसर नहीं है कि आप आंसर कर पाए, इसलिए उस सुरक्षा में चूक हुई, इसलिए आप झीरम पे चर्चा नहीं करना चाहते, और हम भी झीरम पे चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्या झीरम पार्ट टू का इंतजार किया जा रहा है? झीरम पे अगर पूरी एक दिन चर्चा रखे, बिल्कुल, मुझे पॉइंट टू पॉइंट जवाब दूंगा आपको मैं, आप पॉइंट टू, लेकिन आप अभी ये तो बताइए ना, जो आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं उनको लेकर क्या तैयार हूँ मैं? उनको लेकर क्या मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, उसी का जवाब
दे रहा हूँ आपको मैं कि रायपुर शहर में माननीय भूपेश बघेल जी को तमाम प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, पूरी मुहैया कराई गई, फालो कार्ड, पायलटिंग गाड़ी सभी दी गई है। अब वो जहाँ जो जिले में गए थे वहाँ पे उनको सारी सुरक्षा क्यों मुहैया नहीं कराई गई, ये एक बड़ा विषय है। तो लेकिन आपको संज्ञान बिल्कुल आज डीजीपी को लेटर लिखा गया है और गृह विभाग बिल्कुल इस बात की वक्त पर कांग्रेस पार्टी ये चीज बोलती आई है। श्रीवास जी वक्त वक्त पर कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती आई है, कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती आई है कि जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। साहू जी आज मामला इनके संज्ञान में आया है, आप लोग इससे पहले क्यों नहीं शिकायत की? कांग्रेस पार्टी तो अपने नेताओं पर भी आरोप लगाती है। उन साहू जी से पूछ लेते हैं, साहू जी जवाब दीजिए श्रीवास जी की बात का। जी आपके बारे में झीरम इस सरकार के चेहरे इस सरकार के चेहरे पर एक बदनुमा कलंक है। सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। शहीद नंद कुमार पटेल के परिवर्तन यात्रा को बीजापुर और दंतेवाड़ा जिला में सुरक्षा दी गई थी, वहां पर किसी प्रकार की घटना नहीं घटी। लेकिन वही यात्रा जब सुकमा जिले में प्रवेश करती है वहां से सुरक्षा हटा ली जाती है। उसी प्रकार माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को रायपुर में तो आप सुरक्षा देते हो, लेकिन जब वो महासमुंद, बागबहरा और बेमेतरा के जिलों में दौरे में जाते हैं तब आपका वहां का जो जिला अधिकारी होता है वो तकनीकी चीजों की अड़चने बताकर वहां सुरक्षा देने से मना कर देता है। अगर वहां पर कोई घटना घट जाती है उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल श्रीवास जी जवाब दीजिए। मेरा ये कहना है, देखिए मैंने पूर्व में कहा है कि वहाँ पे सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, ये सबसे बड़ा विषय है। और चूंकि आज ये बात डीजीपी साहब को खुद इन्होंने लेटर लिखा, गृह विभाग इस बात की बिल्कुल ताकीद करेगा ऐसा क्यों हुआ है और कौन अधिकारी हैं जिनको सिर्फ सुरक्षा मुहैया नहीं कराए, क्योंकि प्रमुख विपक्षी नेता होने के नाते जिस प्रकार का जिक्र अजय साहू जी कर रहे हैं पूरी तरह मान रहे हैं ना कि सुरक्षा में चूक की जा रही है। आप सुनिए, सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए, आप सुन ही नहीं रहे, आप मान रहे हैं ना कि सुरक्षा में चूक की जा रही, लापरवाही बढ़ती जा रही है, मान रहे हैं ना? फिर आप अगर कल को कोई ऐसी बड़ी घटना फिर से हो जाती है तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं आप? देखिए मैंने पूर्व में कहा गृह विभाग इसकी समीक्षा करता है। समीक्षा सर झीरम घाटी के बाद भी, सर जो झीरम घाटी कांड हुआ उसके बाद भी समीक्षा ही हो रही है सर, आज तक समीक्षा हो रही है, आज तक जांच हो रही है, लेकिन कंक्लूजन कुछ नहीं। जो रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो नतीजा सिफर है आज तक सर। अरे सर नतीजा आज तक सिफर है, नहीं है। रायपुर शहर में भी बहुत मंत्री है। देखिए आप झीरम में जाएंगे तो आपको बताना चाहूंगा नहीं इसकी जांच कर रही थी, एनआईए को जांच का जिम्मा कांग्रेस पार्टी ने सौंपा था, सीबीआई जांच कर इस बात के हम इस बात को सीबीआई को प्रेषित कर चुके हैं, सीबीआई ने वहां पे हाथ खड़े कर दिए हैं, एनआईए अपनी क्लोजर रिपोर्ट भी उसमें सौंप रही थी, उसमें भी हमने मना, उसमें भी आपत्ति दर्ज कराया गया। हम भी चाहते हैं इसके सारे तथ्य सामने आए झीरम में, कौन लोग इसमें संलग्न थे। कई बार तो उस समय यह भी सुनाई दिया कांग्रेस पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते थे कि इनका हाथ है इनका हाथ है, तो पहले तो स्पष्ट होना चाहिए और जनता को बिल्कुल इस बात को बिल्कुल पता, सच्चाई बिल्कुल आनी चाहिए सामने में कि झीरम जो हमला हुआ उसके पीछे कौन लोग थे। तो ये बात है झीरम का जो विषय को ना जोड़ा जाए, यहाँ पे जिस प्रकार की चूक हुई है निश्चित तौर पर गृह विभाग इनको सुरक्षा मुहैया कराएगा, डीजीपी साहब का इन्होंने पत्र लिखा है, आज इस बात की समीक्षा होगी, कौन अधिकारी ने सुरक्षा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, ये सारी बातें आपके चैनल के माध्यम से आई है, निश्चित तौर पर आने ठीक है। आपको हमारे माध्यम से ये तमाम चीजें आपको पता चल गई, आपके संज्ञान में आ गई, संज्ञान में आने के बाद जांच कराई जाएगी, क्या एक्शन लिए जाएंगे, क्या आप इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि अब इस तरह की कोई भी घटना छत्तीसगढ़ में नहीं घटेगी, आप आश्वासन देते हैं? देखिए जहां तक स्वराज एक्सप्रेस में जब भी कोई बातें इस प्रकार की उठी है सरकार ने बिल्कुल उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करके निर्णय लिया है, एक्शन लिया है। आपके चैनल के माध्यम से ये बातें आई है, इस बात को पूरी तरह से आपको श्योरिटी देता हूँ कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। सुरक्षा का जो विषय है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे कोई और नेता हो, चूंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, तो सुरक्षा पाना सभी का मौलिक अधिकार बनता है। ऐसे में किस अधिकारी ने क्यों ऐसी चूक की इसकी बिल्कुल जांच होगी, बिल्कुल दंडित किया जाना चाहिए, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। लेकिन सनसनी फैलाने का इसमें किसी प्रकार का प्रयास ना किया जाए ये भी मैं कहना चाहता हूँ, ये सनसनी फैलाने का आरोप लगाने का समय नहीं है। सुरक्षा में चूक हुई होगी, कौन नहीं दिया है बिल्कुल उसको दंडित करेंगे हम, लेकिन सनसनी फैला कर राजनीतिक इसका लाभ न लिया जाए ये भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। साहू जी क्यों सनसनी फैला रहे हैं इस तरह के मुद्दे को कि ये मेरा नहीं, ये श्रीवास जी का आरोप है? देखिए श्रीवास जी इस मामले में पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं, सुरक्षा इनकी सरकार ने नहीं दी,
दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय ये कांग्रेस पार्टी को ही दोषी ठहरा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। यदि कल कोई घटना घट जाएगी तो ये ही कहेंगे आपने सूचना क्यों नहीं दी। आज हमने अगर सूचना दी है तो इनका काम ये है कि ये तत्काल उस पर कार्रवाई करें, जो दोषी व्यक्ति है उसके उसे दंडित करें, उसे सस्पेंड करें, उसे जवाब मांगे और उस जवाब को सार्वजनिक भी करें कि क्या ऐसे हालात बन गए थे कि महासमुंद, बेमेतरा और धमतरी जिले में, बल्ला बाजार जिले में माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सुरक्षा नहीं दी गई। यहाँ पर अपराध कहीं भी घट जाते हैं। आप ये बोल के नहीं बच सकते कि भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री शहर में घूमते हैं, बिना सुरक्षा के घूमते हैं। ये सब बातें चैनल में बोलने से अच्छी लगती है, लेकिन धरातल में जब कोई घटना घटेगी तब आप अपने हाथ खड़े कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का मंत्री नहीं घूमता है। गौरी जी, खोने का दर्द क्या होता है हम जानते हैं। मेरा ये निवेदन है सुभाष जी से, अपनी सरकार से कहें और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित जो जो कांग्रेस के नेता हैं जो सुदूर अंचलों में दौरे में जाते हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी सरकार को लेनी चाहिए ताकि दोबारा झीरम पार्ट टू जैसी चीजें ना हो और हम लोग चार साल तक समीक्षा करते ना बैठे। झीरम पार्ट वन की भी अभी तक समीक्षा ही हो रही है, जांच ही हो रही है, दोषी अब तक घूम रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अभी तक सफर कर रही है। बिल्कुल, वाकई में राम अवतार जी, ज्यादातर घटनाएं तब होती हैं जब प्रोटोकॉल तोड़ा जाता है। समझ में नहीं आता कि राजनेता जब पब्लिकली कहीं जाते हैं तो वो क्यों प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। इन्हीं जिस तरह से प्रोटोकॉल तोड़ा जाता है तो इसी का फायदा उठाया जाता है और तभी न केवल नक्सली, दूसरे जो सामाजिक तत्व होते हैं वो भी तभी हावी होते हैं। तो क्या राजनेताओं की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई है तो उनको प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, राजनेताओं को जनता, अल्टीमेटली जो नेता होता है वो जनता के लिए होता है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं और जो बड़े नेता हैं वो एक तरह से देश की, प्रदेश की प्रॉपर्टी हैं। तो ऐसे लोगों की सुरक्षा तो होनी चाहिए और सुरक्षा का ध्यान नेताओं को भी रखनी चाहिए। अगर नेताओं का ध्यान ना रखें तो बड़ी घटनाएं होती है और तरह तरह के लोग, जैसा छत्तीसगढ़ में नक्सली हैं, असामाजिक तत्व हैं या राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, ये ऐसे लोगों का मौका का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सुरक्षा के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई है। कई आदिवासी क्षेत्रों में खुद भाजपा और कांग्रेस दोनों नेता इसके प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। उनको सुरक्षा जिस अनुसार से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। वो भी लगातार कई सत्तारूढ़ दल के नेता भी अंदरूनी तौर पर अपने बड़े नेताओं से, पुलिस अधिकारियों से मिलकर ये मांग करते रहते हैं और नक्सली के भीतरी इलाकों में आज भी बहुत सारे नेता इसीलिए दौरा नहीं कर पाते कि पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल पाती है। तो सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह चुस्त दुरुस्त करें, ये शासन और प्रशासन को फिर से समीक्षा करनी चाहिए ताकि आगामी चुनाव के समय जनता के बीच जा सके और अपनी बातें राजनीतिक दल के लोग, जनप्रतिनिधि रख पाए अच्छे से और जनता का भला कर पाएंगे। जनता और देश का इन नेताओं से, नेता जो है हम और आप वोट देकर इन्हीं को नेता बनाते हैं, इनको दायित्व देते हैं, उस दायित्व को देश और समाज और प्रदेश के हित में काम करते हुए ये लोग दिखे भी और करे भी और ऐसे मुद्दे उठा पाए जिससे जनता का भला हो, इसके लिए पर्याप्त तौर पर सुरक्षा दे पाए ताकि वो निष्पक्ष तरीके से काम कर पाए। अगर कोई भी भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई भी नेता अगर डरते रहेंगे तो मुद्दे नहीं उठा पाएंगे। आप देखते रहेंगे वो मुद्दे नहीं उठा पाएंगे कि मुझे नक्सलियों से डर है, असामाजिक तत्व से डर है या प्रतिद्वंदी दल के बदमाशों से डर है। अगर वो डरते रहेंगे तो निर्भीकता से मुद्दों को, गलत चीजों को उठा नहीं पाएंगे। तो ये राजनीतिक दल के लिए और प्रदेश के लिए और सभी के लिए अहित होगा। तो सुरक्षा के लिए लाखों और करोड़ों रुपया ऐसे खर्च किए जा रहे हैं, तो खर्च करोड़ों रुपए जब हो रहे हैं तो सही तरीके से खर्च हो। ना ही अपन देखते किसी मंत्री के यहाँ जा रहे हैं तो 15 से 20 लोग सुरक्षा अधिकारी बैठे हैं, 10-10 गाड़ियां लगी है और लाल बत्ती तो बंद कर दी गई मगर गाड़ियों का काफिला अभी भी कम नहीं हुआ है मंत्रियों का और नेताओं का, उनके सुरक्षा में लोग डटे हैं। परंतु सही जगह अगर सुरक्षा नहीं दी जाएगी आप तो एक तरह से गलत संदेश जा रहा है। आप सही कह रहे हैं और आपकी बात से भी मैं इत्तेफाक रखती हूँ श्रीवास जी। आम जनता की
जो गाढ़ी कमाई से जो टैक्स जाता है ना, उससे नेताओं की सुरक्षा दी जाती है और जो तमाम योजनाएं हैं वो संचालित की जाती हैं। अगर उनका ही उन तमाम चीजों की बंदरबाट लगा दी जाए तो क्यों सवाल आप लोगों से ना किया जाए? और जिम्मेदारी भी आप लोगों की बनती है कि हम लोग अब वोट देके आपको चुनते हैं ताकि हमारे लिए, हमारे हित के लिए मुद्दे उठाए जाएं और हमारी समस्याओं का निराकरण किया जाए, ना कि इसलिए कि हर मुद्दे पे बस राजनीति की जाए। कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी। देखिए ऐसा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सुरक्षा सबसे गंभीर मुद्दा है, इस पर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं कि हमने जेट श्रेणी की सुरक्षा नहीं दी गई। सिक्योरिटी इनपुट जिस प्रकार से इंटेलिजेंस का मिलता है, सरकार ने उस कैटेगरी में सुरक्षा डिवाइड करके रखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेता है आरोप लगा रही है। साहू जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे। देखिए ये सरकार सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। ये सरकार नक्सल क्षेत्रों में तो सुरक्षा देती है, लेकिन गौरीशंकर श्रीवास जी की बातों से मुझे ये शंका हो रही है, ये भय लग रहा है, ये मैं डर रहा हूँ कि कहीं जो इलाके मैदानी इलाके हैं जैसे महासमुंद, धमतरी, बलुआ बाजार, फिर से इनकी सरकार कोई ब्रह्मास्त्र को चलाना नहीं चाहती है हमारे नेताओं के ऊपर, इसीलिए तो सुरक्षा में ढील बरती गई है। हम डर रहे हैं, मैं मानता हूँ हमने अपनों को खोया है, हम भयभीत हैं, इसीलिए हमने पत्र लिखा है और हमें उम्मीद है कि सरकार चेतेगी और आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। शिवाजी, गौरीशंकर शिवाजी स्टूडियो में रहकर साहू जी को डर लग रहा है, फिर जमीनी इलाकों की अगर बात करें तो उनका डर तो बिल्कुल वाजिब बताया जाता है। वो आप ही सोचे कि क्या कुछ मापदंड आप लोगों को पैरामीटर अब आप लोगों को डिसाइड करने किस तरह की सुरक्षा मुहैया करानी है। राम अवतार जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी बहुत संक्षेप में। राम अवतार जी देखिए आपके आज अगर कहीं ना कहीं हमारे राजनीति शिवाजी साहू जी, आप दोनों ने बोल दिया है, आप उनको बोलने दीजिए। राम अवतार जी फाइनल। देखिए हम अगर सुरक्षा को लेकर हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में या अन्य तरीके से भी देखेंगे तो हम सुरक्षा को रुतबा के लायक मत बनाए। कई लोग सुरक्षा अपनी रुतबा बढ़ाने के लिए ले लेते हैं और ताकि उनके बंगले में, उनके घरों में रुतबा का प्ररूप बनते जा रहा है धीरे धीरे सुरक्षा, वो ना बनके सुरक्षा जो है सही में जो संघर्ष कर रहा है, जिनको जरूरतें हैं उनको अगर सुरक्षा दी जाएगी तो सही मायने में सुरक्षा मानी जाएगी। अगर आप उचित समय पर उचित जगह पर अगर सुरक्षा नहीं दे पाए तो प्रशासन की चूक मानी जाएगी और ये सुरक्षा को लेकर सवाल उठते जाएंगे। आज सुरक्षा को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठते हैं, हम यहाँ बैठे हैं जिस जगह बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पे स्टैंडर्ड के लिए नहीं बनाए कि तो ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, सही कहना है आपका, तरीके से मिल पाए। बिल्कुल, और जिनको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए कम से कम उनको सुरक्षा मुहैया कराए और इतने बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पे कम से कम राजनीति ना हो। शुक्रिया राम अवतार जी चर्चा में शामिल होने के लिए। साहू जी आपका भी शुक्रिया, गौरीशंकर श्रीवास जी आपका भी शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस पर।